गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको विलयन के बारे में यानी सॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से आपको मतलब कहना चाहिए कि वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया और पूरा कम्प्लीट भी करवा दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही आपके लिए बहुत ही मैं क्वेश्चन ढूंढ करके और आपको सेकंड चैप्टर का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूं, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। आप सभी क्वेश्चन को याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें आप टिक कर लेंगे और किसी दिन मेरे को कमेंट करेंगे, हम उस क्वेश्चन को पुनः एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसके बाद आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं सोचा था कि आपको थोड़ा सा मैं इंस्ट्रूमेंटों के बारे में यानी कहना चाहिए कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताऊं, कुछ फार्मूला बताऊं कि आप फार्मूला को कैसे सूत्र को कैसे याद करेंगे, सूत्र को कैसे याद करेंगे, किस प्रकार उसको समझा जाएगा। क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चार पार्ट में है, चार पार्ट टोटल है, यानी कि आपका 10, 11, 12, 13, 14, यानी तो होना चाहिए कि 14 तो आपका वो हो जाता है, बायो केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर भी रहे केमिस्ट्री, तो उसको समझना बहुत कठिन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तो उसमें इतने सारे कंपाउंड होते हैं यानी सूत्र होते हैं, आपको सूत्र ही नहीं पता होता है कि ये सूत्र किसका है। जब सूत्र नहीं पता होगा तो किसी की रासायनिक अभिक्रिया किसी के साथ करा देंगे, कह देंगे हम अच्छा से किए हैं, गलत हो गया मेरा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपकी प्रॉब्लम हम सब अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, बेसिक के साथ साथ यह आपको जानकारी देंगे कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, और सूत्र मैं आपको बता दूंगा, फार्मूला बता दूंगा, कुछ फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे याद किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आपको दे दिया हूँ, आप अच्छे से याद करते होंगे। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसी में क्या है कि बैलेंसी, आपको जानकारी होगी बैलेंसी यानी संयोजकता होता है किस तत्व में, यानी अगर आपको पता हो एन ए में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सीएल में कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी ये सीएल नेगेटिव ये कहाँ से आता है, आज मैं इसके बारे में आपको प्रूव करके दिखाएंगे बच्चों। और यह भी बताएंगे कि क्लोरीन में क्या एक ही ऋणात्मक चार्ज होता है, दो क्यों नहीं हो सकता, तीन क्यों नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दो नेगेटिव चार्ज होता है, चार क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कंपटीशन में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान दे देगा और पूछा जाएगा न्यूट्रॉन क्या होगा, या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दे देता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है पेपर में। तो मतलब कहा जाए बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिजेंट करूँगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, रेडी हैं आप? सब लोग रेडी हो गए हैं। आज मैं बैलेंसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और एक बात आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पढ़ते वक्त आपको 100% कंसंट्रेट होना है। कंसंट्रेट जब रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में भी आएगा और बनेगा भी। ठीक है बच्चों, आपकी मेमोरी में हाँ वैसे लॉजिक फिट कर देंगे कि आप अपने से और बेहतर किसी फार्मूला को आप बता सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखे हैं, वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, किसी तत्वों के बाह समकक्ष में, किसी तत्वों के बाह समकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की
संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में, ये बाह्यतम कक्ष क्या होता है बच्चों, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, अब ये पता चल जाएगा आउटर सेल आया कहाँ से, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, बोर के सिद्धांत के आप पढ़े होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें बताया गया है कि फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, तो आपको इसमें पता होगा भी कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32 नाम सुने हैं, ये क्या, ये सब क्या होते हैं बच्चों, रूल में ही डिपेंड है तो ट्रिक मैजिक नंबर है, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे तो उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि 2 किस ले मतलब है, कौन सी कक्षा में कौन से आर्बिट में होता है, 8 किस में होगा, और पुनः 8 किस में होगा, फिर 18 किस में होगा, 18 किस में होगा, और 32, तो मतलब कहना चाहिए कि भाई आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो परिभाषा समझ आ गई क्या, किसी भी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाई जाती है, संयोजकता, यानी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसे क्या कहते हैं, उस तत्व की वैलेंसी कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है ये, तो हम आपके सामने एग्जांपल बहुत सारे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफिनेशन तो समझ में आ गई ना, अब इसको मैं मिटा दूं, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई देख लेते हैं, फिर हम आपको और अच्छे समझाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है बच्चों, 1, और 1 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1s1, अगर मैं एक और ऑर्बिट बनाता हूँ, कहना चाहिए कि आपको क्या बनाता हूँ, एटम कक्षक बनाते हैं, ये देखिए आपको तो पढ़े हैं रहा, ये आपको क्वांटम संख्या पढ़े हैं शायद, 11th में है क्वांटम संख्या ना, 11th में क्वांटम संख्या है, तो ये देखिए ऐसे ये कक्षा होती है, ये क्या होगा, ये केंद्र होगा, तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक है, इसमें क्या होता है बच्चों, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना होता है बच्चों, 8, के इलेवन हम सुने हैं क्या, ये देखिए के है, यल है, यम है और यन है, आया समझ में, ये इस प्रकार से होता है, तो कहना चाहिए कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक, यानी के कोष में इसको क्या बोलते हैं, यस, ये उपकोष होते हैं, सब आर्बिट जिसको बोलते हैं, यस, फिर क्या होगा बच्चों, एफ और पी होगा, इसमें क्या होगा, एफ पी दोनों मिलकर क्या बना दिया, 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसमें हो जाएगा एफ पी और डी तीनों हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 2, 8, 18, मतलब कहना चाहिए कि फिर कैसे हो गया, 5 इसमें है, 5 और दूरी 10 हो जाएगा, 10 16 हो जाएगा, 17 18 हो जाएगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एस पी डी और एफ टोटल ही हो जाएगा बच्चों, इसमें टोटल रहेगा तो 2, 8, 18 और 32, ऐसे आप पढ़े होंगे बच्चों, है जानकारी क्या इसके बारे में, एस पी डी एफ के एल एम एन एस पी एस सी डी एस पी डी एफ, मतलब कहना चाहिए 2, 8, 18, 32 आप नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, पहले आर्बिट में हमारे 2 रहेंगे, दूसरे में 6, 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा, फिर इसी तरह से क्या होगा 32, लेकिन इसके आगे मैं और आपको बताऊंगा, 11 की चीजें हैं ये, आप इसको पढ़े होंगे, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे वन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मतलब कहना चाहिए कि हमारे पहले वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 1, ठीक है, चलिए
तो अब इसका मैं अगर तोड़ के दिखाता हूँ तो सिर्फ वन होगा, और इसके आउटर सेल में जब वन होता है तो हम उसको कहते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, वन होती है, क्या वन। तो ये आपको याद रखिएगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी सिर्फ वन होगी। और किसी तरह से आप ऐसे नाम सुनेंगे, एच पॉजिटिव के नाम सुने सुने होंगे, सुने हैं बच्चों ना। इसी तरह से मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आ गया, मतलब आना चाहिए इसको टोटल एड करेंगे तो आपका 11 हो गया कि नहीं हुआ, ये देखिए। तो ये आपका जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में जो F है आपका, उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन कितने आया, 1। तो मतलब कहना चाहिए कि आप सोडियम की भी बात करूंगा तो सोडियम में क्या हुआ है, सिर्फ है एक आया है इसका आउटर सेल में, तो इसके में हम क्या लिखेंगे, एक ही पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी संयोजकता हो जाएगी, सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, एक। ठीक, तो आप इतना थोड़ा ध्यान लगाइए कि जब हम F ब्लॉक का प्रथम ग्रुप, F ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप की सबकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से F ब्लॉक का फर्स्ट ही जाएगा, कक्षा चली जाएगी, 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 4 जाएगी, फिर 5 जाएगी, 6 जाएगी, 7 जाएगी, यानी लगातार एक एक कक्षा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें क्या होगा, और सभी में सबके बाटम कक्ष में आपको आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन बनेगा, और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 या पर है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2s1, फिर क्या हो जाएगा, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। देखिए, और बाकी इधर का क्या होगा, इनका सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो सभी का एक बराबर निकल के आएगा। और डिफिनेशन क्या निकल के आई मेरी, किसी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कुछ पॉइंट होते हैं, रूल होते हैं, 1 to 8 होता है, 1 to 8 में 1 से 4 तक जब जाते हैं तो संयोजकता इसकी बढ़ती है, और जैसे 4 पर पहुंचते हैं तो संयोजकता क्या होती है बच्चों, घटना शुरू हो जाती है। तो चलिए मैं उसको बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर आपको एक पाणी बना दूंगा, उस पाणी के आधार पर आप समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है बच्चों। थोड़ा देखिए इसको अच्छे से क्या होता है, ये मैं टेबल आपको बताऊंगा, टेबल कहीं मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, लेकिन नोट अच्छे से करिएगा, बना लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये ठीक, एक पॉइंट बनाना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इसको आप लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए आप बात करते हैं, मान लीजिए जिसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैं यहां लिख देता हूं बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में लिख देते हैं या टोटल इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी तो उसकी जो वैलेंसी होगी +1 होगी, क्या होगी बच्चों, +1 होगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा +1।
जिस तत्व के वातम कक्ष में दो होता है तो उसकी वैलेंसी प्लस टू होगी, अगर उसके वातम कक्ष में तीन आएगा तो उसकी वैलेंसी प्लस थ्री, अगर चार आएगा तो उसकी वैलेंसी प्लस फोर होगी और माइनस फोर भी होगी। यहीं से लॉजिक चेंज हो जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिसके वातम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी फिरता उतनी ही हो जाएगी, होगी जरूर लेकिन वहां से लेकर के एक डिस्टेंस बताएगा, यहाँ वहां मतलब प्लस चार से लेकर माइनस चार तक हो जाएगा। वहां पे ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा कि उनकी वैलेंसी प्लस चार भी होगी और माइनस चार भी होगी। इसी प्रकार से जिस तत्व के बाद हम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पांच आता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, माइनस थ्री होगी। जिस तत्व के वातम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या छह तो उसकी वैलेंसी माइनस टू, जिस तत्व के वातम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सात उसकी वैलेंसी हो जाएगी माइनस वन, और जिसके वातम कक्ष में आठ हो जाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, ये जीरो का ग्रुप को मतलब समझ में आ गया क्या, ये एक्टीन वाला ही है, एक्टीन ग्रुप वाला है, क्योंकि आपको पता है एक्टीन वाला ग्रुप क्या करता है, ना तो किसी की इलेक्ट्रॉन देता है, ना किसी से साझा करता है और ना ही किसी से लेने की उम्मीद रखता है, सबका अष्टक पूरा है, इसी कारण से उसकी वैलेंसी क्या होगी, शून्य, जीरो होगी। ठीक, ये आपका चार्ट बना दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा ये भी याद रखना है आपको, ये लगातार आपका बढ़ता चला जाएगा, मतलब कहना चाहिए अगर इसके वातम कक्ष में पांच है तो पांच से लेकर के माइनस तीन तक होगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, प्लस पांच से लेकर के माइनस तीन तक, प्लस छह से लेकर माइनस दो तक, प्लस सात से लेकर माइनस एक तक और आठ से लेकर के यानी जीरो तक। आठ मतलब ये निश्चित रूप से है ही, उसके आउटर से में अगर आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आप जीना हेक्सा फ्लोराइड होता है ना, तो उसमें भी आप अगर निकाल के देखेंगे तो कुछ ऐसे तत्व होंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ पे एट नहीं होगा, जीरो रहेगा। वो निकाल कर देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर आएगा तो उसको ही बता दिया जाएगा। ठीक, कन्फर्म हो गया क्या, यहाँ पे ऐसे कंपाउंड का नाम बताएंगे हम आपको कि इनकी वैलेंसी यहाँ पे यहाँ तक होती है ये, लेकिन जो एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट हमारा ये होगा, ये हमारी क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हम क्या मानते हैं, राइट मानते हैं। ठीक है, वो तो एक माध्यम होता है कि यहाँ पे यहाँ तक होगा, 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 तो आपके मन में ये आएगा कि जिस तत्व के वातम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी उतनी ही कहलाती है, एक से चार तक उसकी वैलेंसी बढ़ती है, फिर चार से घटना शुरू हो जाता है तो जीरो तक पहुंच जाएगा, तो माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक और जीरो। ठीक है, चलिए अब ये क्यों लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए वातम कक्ष में तो लिखा हुआ है एक, अब यहाँ पे लिखिए तत्व, लिख दीजिए वो कौन सा तत्व है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ, तत्व इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट है ना, वातम कक्ष में उपस्थित यानी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, यही वैलेंसी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन सा तत्व मैं लिख दूँ, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिख दूँ, बेरिलियम, यहाँ पे बताइए क्या होगा, बेरिलियम के बाद आपको यहाँ पे बोरान बी, ये क्या हो जाएगा, कार्बन, ये क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ बगल में कौन सा तत्व होगा, बोरान कार्बन नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर कौन होगा, फ्लोरीन, और फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, जी यानी ई हो जाएगा, नियान। ठीक, ऐसे तत्व हो गए। ग्रुप की बात करता हूँ, समूह की बात करता हूँ, कौन से समूह में है, समूह की जब बात करता हूँ, समूह में देखिएगा उसमें क्या होगा जाएगा, समूह की बात करूंगा तो उसमें यह आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप भी बता देते हैं कौन से ग्रुप में ये तत्व जो हमारे ग्रुप लिखे हुए हैं वो किस ग्रुप में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ग्रुप में है, ये आपके सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप के साथ साथ क्या हो जाएगा,
सेकंड रूप हो गया। अब यहाँ पे थर्ड नहीं है, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे ग्रुप लिखे हुए बच्चों, समझ में आ गया ना। ये ग्रुप है, समूह, ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनका एग्जांपल मैं लूंगा, आपके सामने प्रूव करूंगा। ये बाटम कक्ष में यानी आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बाटम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ऊपर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अगर नहीं दिखेगा तो आप बोलिएगा, कि अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मतलब बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, नीचे भी दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका चार्ट मैंने बना दिया, थोड़ा सा चार्ट, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये समूह है, जितने भी 1 2 लिखा हुआ है। अब अगर थोड़ी सी बात करता हूँ, तो ये फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? ये आपके एफ ब्लॉक में है। ठीक, और ये आपका जो 13 से लेकर के 18 तक है वो किस ब्लॉक में है बच्चों? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये पानी आपको मिलेगी नहीं कहीं। ठीक है, ये हमारे एफ ब्लॉक के हो गए, ये हमारे पी ब्लॉक के हो गए। जो ऊपर 1 2 13 14 15 16 17 18 लिखा हुआ हमारा ग्रुप है। इसके बाद ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स का नाम सैम्बल दिया हुआ है। बाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये मैं आपको बताया था, मेरे कहाँ से मिलेगा? 1 2 8 में से 1 2 4 जाएगा तो बढ़ेगी, और यहाँ पे देखिए नफर हो जाता है। देख लीजिए, पहले +1 फिर +2 +3 फिर +4, 1 2 4 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इंक्रीज हुआ है ना। अब देखिए डिक्रीज होना शुरू हो गया, कैसे? -4 -3 -2 -1 0। तो हम आपको इसको बता देंगे, इसमें क्या होगा आपको अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। चलिए अब इसको मैं मिटाऊंगा और एक एक करके एग्जांपल सॉल्व करूंगा आपके सामने, की प्रेजेंट करूंगा कि हाँ वाकई में सत्य है कि नहीं। ठीक है, चलिए कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसको लास्ट में बता दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, जैसे एक एक करके प्रूव करते हैं। माना कि अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s1। इसके बाद हम कक्ष में 1 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? बैलेंसी इसकी क्या होगी? +1 होगी। यानी आउटर सेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बैलेंसी +1 आ जाएगी। ठीक, अब चलिए हाइड्रोजन हो गया। दूसरा नंबर क्या है आपका? बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या होगा? Be। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। देखिए उसके आउटर सेल में F के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, तो उसकी जो बैलेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी? बैलेंसी आपकी +2 हो जाएगी। देखिए +2 लिखा हुआ है, लिखा है, +1 भी आ गया, +2 भी आ गया। चलिए कुछ दूसरा एग्जाम्पल आप बताइए। तीसरा कौन सा है? बोरान। बोरान मतलब बी, और उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 5। 1s2 2s2 2p1। 2p6 नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को 5 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मेरे पास 5 होना भी चाहिए, 6 हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करिए आप, तो हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी इसके आउटर सेल में कितने आया इलेक्ट्रॉन? 3 आ गया, और आउटर सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? उसके आउटर सेल में 3 आ गया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखिएगा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इक्वल टू +3। देख रहे हैं, +1 +2 +3 बच्चों, क्या नीचे दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे को मिटाना पड़ेगा थोड़ा। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये बोरान हो गया। अब आगे चलिए, बोरान के बाद क्या है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? 6 होता है। क्या है जानकारी आपको, याद है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। तो 6 में क्या है होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p2।
सिक्स तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 आया। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको तोड़ दीजिए आप, 2 और 4 हो जाएगा। देखिए ये क्या 2 और 4 क्या है, इसके आप नाइट में पढ़े रहेंगे, इसकी वैलेंसी, इसको भी कहते हैं वही प्रकार से, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, भी के आगे क्या लिखेंगे 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, कैसी रहेगी पॉजिटिव। इसके बाद चलिए नाइट्रोजन आया है, तो नाइट्रोजन कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 4 2 2 4 और 3 7 आ गया। और चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, 2 और 5 और ये 2 कितना हो जाएगा, नहीं 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। ये 5 क्या है, मैं जोर कैसे दिया बच्चों, तो याद रखिएगा मैं कक्षा की बात कर रहा हूँ, कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब तक हमारे पास 2 और 8 नहीं हो जाएंगे तो हम तक हम तीसरे कक्षा में जा नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जैसे ही ये 5 के बाद 8 हो जाएगा तो हमारा दूसरी कक्षा दूसरा ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए 2 और 5 हुआ, तो अगर इसकी बात करूंगा इसकी जो वैलेंसी होगी कितनी हो जाएगी बच्चों, अब आपको यही भी आ गया, इसकी वैलेंसी तो 4 थी, तो यहाँ पे +4 भी रहेगा और -4 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ +5 भी है और क्या हो जाएगा -3। जिस तत्व के बाद अंतरिक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी -3। कहाँ लिखा है ये देखिए, आउटर शेल में ये लेके आया, बाहर कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ है 5, उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए -3, तो कितना लिखा है -3। ये +5 क्या है, मतलब कहना चाहिए कि कंपटीशन में पूछा जाता है कि केवल -3 भर इसकी वैलेंसी होती है, तो नहीं होती है, उसके अलावा भी होती है, तो कहाँ से कहाँ तक होती है +5 से लेकर के -3 तक होती है। आप अभी एग्जाम्पल मैंने एक प्रूव करूंगा कि उसकी वैलेंसी क्या होती है, ठीक ये हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, ये भी बचा है आपका 6, 7, 8 बचे हुए है ना, तो हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक मिटा दो इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा और अब आपको क्या करूंगा पुनः इसको समझा दूंगा, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके फिर आपको समझाता हूँ, चलिए मैं इसी मिटा देता हूँ, लिखा रहने दीजिए, देखिए क्या होगा 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर देखिए, 8 में क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ये है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p 2p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वहाँ देखिए 3 था ना, यहाँ 4 हो गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो मतलब कहना चाहिए वो क्या हो जाएगा, जिस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस ऑर्बिट में 100% जाएगा, यदि उसमें नहीं जाता है तो निश्चित रूप से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। हम देखिए पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो सभी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आउटर शेल में, लास्ट में सभी में 2 ही में ही जा रहा है, यानी पी में ही जाएगा। डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो डी में ही जाएगा, एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो एस में ही जाएगा, ये एक विशेष पॉइंट है। चलिए ये हुआ, इसको आप तोड़िए 2 और ये आपका 6 हो गया। जिस तत्व के बाद कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संयोजकता -2 होगी, तो -2 कौन होगी, ये है -2। तो देखिए क्या हुआ, इसमें हम बैलेंसी भी लिखते हैं और इसके आगे हम क्या कर देते हैं -2 कर देते हैं, ठीक ठीक है, समझ में आ रहा है, बी मतलब क्या हो जाएगा बैलेंसी, बैलेंसी लिखा हुआ है, किसकी बैलेंसी ऑक्सीजन की। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, फ्लोरीन लिखा हुआ है, अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p 2p क्या हो जाएगा 2p5 हो जाएगा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। देख लीजिए आ गया ना, जिसके बाद हम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी उसकी संयोजकता कितनी होगी 7, अगर है तो उसकी वैलेंसी -1 होगी, और -1 कहाँ लिखा है ये देखिए लिखा हुआ -1। तो चलिए इसमें लिख देते हैं भी, वैलेंसी कितने हो जाएगी -1।
अब क्या बात हो गई, नियान की बात हो गई ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, ये देखिए आ गया 6। और जब 6 आ गया तो क्या होगा, 2 हो जाएगा पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। अब हम इसको 9 नहीं कर सकते, आ गया ना। तो जिस तत्व के भाषण कक्ष में, जिस तत्व के भाषण कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, ये देखिए लिखा है 0। 8 है तो 0 है, प्रूफ हो गया कि नहीं। यानी आपको मैं चार्ट के अनुसार मैंने एक एग्जांपल लेकर से मैंने प्रूफ कर दिया कि उसकी वैलेंसी माइनस 1 कहाँ पे आएगी, माइनस 2 कहाँ पे आएगी, माइनस 3 कहाँ, सॉरी +1 +2 +3 +4 कहाँ पे आया, -4 -3 -2 -1 0 कहाँ पे आया, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। लेकिन अभी ये थोड़ी सी बचा हुआ है, +4 और -4 कब होता है उसकी कंडीशन मैं बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया आपके, संयोजकता समझ में आ गई ना। कंपटीशन में पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, मान लीजिए कोई कंपाउंड दे तो ये तत्व दे देगा, पूछा जाएगा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। नाइट्रोजन की कितना होती है, जो नॉर्मली वो होता है सामान्य रूप से वैलेंसी आपकी यही होती है, वो तो यहाँ पे यहाँ तक इसको बोला जाता है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे यहाँ तक आएगी, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में नॉर्मली, अभी देखिए पेपर में कैसे पूछता है, मिटा दूँ इसको, अब उसको भी मैं मिटाऊंगा। नाइट्रोजन में मैं पूछ रहा हूँ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाइट्रोजन में कितने चार्ज होते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कमेंट कीजिए। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसमें कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कोई बताएगा, कमेंट कीजिए कोई भी। चलिए ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका लिखा हुआ है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो मतलब कहना चाहिए फर्स्ट ग्रुप में सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 होगी, सेकंड ग्रुप में सबकी वैलेंसी +2 होगी, आप अपने माइंड में इतना रख लीजिए। वो कैसे लिखा जाता है, जैसे देखिए एच पॉजिटिव हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, स्ट्रॉन्थियम, यानी सभी में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये देखिए, और सभी में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आप एक बेसिक और पढ़े होंगे, जिस तत्व में एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें कमी को दर्शाता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो अधिकता को दर्शाता है, सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाता इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन ये भी याद रखिएगा, एक से चार तक जो बढ़ता था तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है आपको, कभी भी निगेटिव वो नहीं होंगे। इसी प्रकार से बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्थियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी में +2 चार्ज होता है। देखिए अब आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी हो गया होगा, यानी सभी मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, इस तरह से आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है। और जब तक आपसे ये नहीं बनेगा तो मैं आपको 8वें चैप्टर में मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण आपको पता ही नहीं निकलेगा ही नहीं, कैसे निकलेगा जब आपको पता ही नहीं रहेगा उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ पर जानकारी मिलेगी। 9वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमको एटॉमिक नंबर चाहिए। फिर लास्ट में उसके ऊपर कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है K4 FeCN का होल 6, तो ये मान लीजिए आप तो बता देंगे, मतलब ये FeCN का होल 6 और यहाँ पे लिखा रहेगा 4 नेगेटिव, आप बताइए, आप समस्या आ गई ना, बताइए कहाँ पे आया, ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी। इस कारण से आपको बेसिक थोड़ा बताना था तो मैंने बता रहा हूँ। और फिर इसके आधार पर ये आयन के रूप में है, तो आयनिक फॉर्म में जब आपको IPC नाम बताया जाएगा तो वो आपको दूसरा होगा, ठीक है। इस कारण से मैं सोचा कि आपको थोड़ा बेसिक बढ़ा देता हूँ,
यदि आपकी डिमांड होगी तो थोड़ा बेसिक और दिन ले लेंगे, नहीं होगी तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है सभी में उसकी बैलेंस शीट प्लस वन होती है, एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप होगा और सभी में उसकी बैलेंस क्या होगी, प्लस टू होगी, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तीसरी बात करते हैं, एस ब्लॉक तो हो गया बच्चों, पी ब्लॉक की बात करता हूँ। पी ब्लॉक में देखिए क्या है, पी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर के 18 तक, तो आपका ये 13 वाला है, ठीक है, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 13 में कौन होगा, बाबा अली गए इंडिया थैला लेने, मतलब बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो याद रखिएगा 13 ग्रुप में सभी की जो बैलेंसी होगी प्लस 3 होगी, क्या होगी, प्लस 3। और कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, तो आप क्या इस तरह नाम कभी देखे हैं इस प्रकार से बुक में, अगर देखे हो तो बताइए, नहीं देखे हो तो बोलिए नहीं जानते हैं, आप जानने लगे, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कोष्टक में हम ऐसे लिख दें AL 3+2, ऐसे भी लिखा जाता है, और अभी मैं बताऊंगा जैसे AlOH का होल थ्राइस, ये कैसे बन गया AlOH का होल थ्राइस, तो बताइए एल्यूमिनियम में 3+2 चार्ज हुआ करता था, Al में 1+2 2+3 और ऑक्सीजन में OH में 1 नेगेटिव, OH में 1 नेगेटिव, OH में 1 नेगेटिव, और ये तीनों पॉजिटिव नेगेटिव जाकर आपस में क्रिया किए और मिल करके क्या बना दिए AlOH का होल थ्राइस बन गया। ऐसे ही मैं बहुत सारे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से याद किया जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, इसी को मैंने इसमें तोड़ दिया। तो जब तक आपको ये नहीं जानकारी रहेगी तो आप कैसे इसको बना पाएंगे, कंपाउंड बनाना सिखाएंगे, कंपाउंड याद करना नहीं, ठीक है। मिटा दूं इसको, चलिए ठीक, केमिस्ट्री पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, आसान अच्छी मेहनत लगाइए तो निश्चित रूप से आपके माइंड में बैठ जाएगी, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और आप जानते हैं कोई भी काम बिना केमिस्ट्री के नहीं हो सकता। ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14 की बात करता हूँ, 14 में कौन सा होगा बताइए, 14 में कौन होगा, कार्बन होगा, ये किसमें, बोरान की बात हो रही थी, बोरान परिवार के सदस्य ये हैं, और बोरान के साथ साथ ये क्या हो गए, अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में कौन होगा, अच्छा बात यह है कि जब कार्बन की बात करूंगा, समूह 14 की बात करूंगा, तो उनमें से सब की जो वैलेंसी होगी कितनी होगी, प्लस 4 होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 4, और बोरान के बाद कार्बन, कार्बन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी SB बिस्मत BI है? क्या है, शायद ये आपका दूसरा है, ये नहीं होगा, मतलब कहना चाहिए कि कहे सीता जी सुनो प्रभु होगा ना, और कहे सीता जी सुनो प्रभु में कौन सा आएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम होगा, ठीक है, आपको याद नहीं है, डाउट हो रहा होगा, बोरान के बाद क्या होगा, कार्बन, कहे सीता कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, 10 लेट क्या होगा, PB, ये होगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु जी, तो मतलब समझ में आ गया ना। और इनकी सबकी वैलेंसी जो चार्ज होंगे तो देखिए क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। एक बात और देखिएगा, कार्बन में निगेटिव भी चार्ज होता है, यहीं पे प्लस 4 भी और माइनस 4 भी, सिलिकॉन में आप जैसे प्लस या ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, या उधर पर लिखा रहा है या इधर पर, आप समझ जाएंगे, यानी प्लस 4+2 जो लिखा हुआ है ऐसे, प्लस 4+2 यानी 4+2 यहाँ पे है ये, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक, प्लस 4, लेकिन -4 भी होता है, Fe4 नेगेटिव, Ge जर्मेनियम 4 नेगेटिव, Fn4 नेगेटिव, Pb4 नेगेटिव, मतलब कहना चाहिए ये, मतलब दोनों हो सकता है। अब इसी आपकी कंडीशन में बता दूंगा कि कैसे होता है, याद रखना है आपको, मैट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, ये कार्बन है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 है, और याद रखिएगा सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे +4 आएगी और -4 दोनों होगी, +4 और -4,
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे और आगे की बात करता हूँ, तो यानी ये 15 हो जाएगा और 15 में नाइट्रोन और नाइट्रोजन होगा। नाना पाटेकर ऐश्वर्या को भिखारी, तो ऐश्वर्या मतलब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, नाना पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बीआई। नाइट्रोजन में कितने, ये देखिए 3 नेगेटिव होता है बच्चों, 3 नेगेटिव। फास्फोरस में कितने होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन याद रखिएगा प्लस भी होता है, आप ऐसा नाम सुने हैं क्या, P 1 2 3 4 P 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। PCl5 जब बनाता है, क्या बनाता है PCl5, तो कैसा रहा होगा, P5 पॉजिटिव रहा होगा और Cl में 5 नेगेटिव रहे होंगे, तब जाकर ये बना है। और इसी प्रकार से ये वाला जब बनता है तो इसको यहाँ पे ना लिख करके ऊपर लिख देते हैं, तो देखिए PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, तो PCl3 बनता है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा तो PCl5 बनेगा। बच्चों समझ में आया क्या, बहुत सारी वैलेंसी होती है, इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। कितना यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार से लेकर के -4 तक वैलेंसी, ये लिखा हुआ है, +4 से लेकर के -4 तक वैलेंसी होती है, और +5 से लेकर के -3 तक इसकी वैलेंसी होती है, किसकी, समूह 15 वाले समूह के होती है। बच्चों तो समझ में आ गया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम 16 की बात करेंगे, तो 16 में भी ऐसे ही होता है, और आप समझ में गए होंगे। चलिए ठीक है, ये 16 हो जाएगा, और 16 में क्या हो जाएगा बच्चों, ओ पर से तेरा पोता ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम, मतलब ओ पर से तेरा पोता। तो क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा इसको देखिए, ऑक्सीजन में कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं बच्चों, मैं आपको ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे -2 चार्ज होता है, -S चार्ज होता है, और देखिए यहाँ पे F पर होता है सल्फर, और सल्फर में क्या होगा, ये ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस प्रकार से होता है। तो याद रखिए कि -6 से लेकर के -2 तक इसकी वैलेंसी होती है, मतलब पाना चाहिए पॉजिटिव +6 से लेकर के -2 तक इसकी जो वैलेंसी होगी, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो ये आपका देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है -2, आपकी बुक में इस प्रकार से लिखा होगा कहीं, ऑक्सीजन में क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीजन में दो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज, Fe में 2 नेगेटिव चार्ज, तो इस कारण से यही होते हैं, ये 2 लिखा हुआ है इसका मतलब यही 2 नेगेटिव, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज इसका मतलब 2 की वैलेंसी होती है, चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये रहा, इसके बाद हम 17 की बात करूंगा, 17 आगे बात आते हैं बच्चों, थोड़ा देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए 16 से अपन लोग बात कर चुके हैं, ओ पर फेस तेरा पोता हो चुका है, अब हम चलते हैं फालतू कलवाहराई अंटी, मतलब फालतू का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ गए होंगे, बिना मतलब का कोई आता है तो उसको हम फालतू ही बोलते हैं, तो देखिए फालतू क्यों आती है बाहर, तो इसको थोड़ा मैं मिटाना चाहता हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि उतने में तो आएगा नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा आपका। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया ना, इतना उसकी मैं बात नहीं मिटा रहा हूँ, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 17 की बात करते हैं, 17 में क्या होगा बच्चों, 17 में क्या होगा, यहाँ बच्चों क्या दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ तक आपको मतलब यहाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ देख लीजिएगा, चूंकि अगर ना दिखता होगा तो मैं आपको इधर भी आ जाऊंगा। चलिए ठीक, 17 की बात कर रहा हूँ, ठीक बच्चों, चलिए 17 में क्या होगा, ओ मतलब फालतू कलवाहरा एंटी, और दूसरा भी कर सकते हैं, फौजी चले बारूद पर आई आतंकवाद, तो मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटीएसटीन, याद रखिएगा पेपर में कंप्यूटर में पूछा जाता है, एटी जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, तो इनमें मैं पूछ रहा मैं बता रहा था कि क्या है कि इनमें इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों,
सेवन होता है। दिखाऊं कैसे, ये देखिए 1 2 3 टू एट और क्या हुआ सेवन, मतलब ये पहली कक्षा हो जाएगी, ये दूसरी कक्षा हो जाएगी, ये तीसरी कक्षा हो जाएगी। और जिस तत्व के बाद हम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी -1। क्यों होगी, क्योंकि मुझे अष्टक को कंप्लीट करना है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मेरे पास सेवन है, मुझे एक और चाहिए, एट हो जाना है, और एट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो अष्टक पूर्ण नहीं होगा, ऑक्सीजन ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, तब हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उसको अष्टक कंप्लीट करेंगे। इनके आउटर शेल में कितने होंगे बच्चों सेवन, इनकी वैलेंसी क्या होगी -1। तो मतलब कहना चाहिए माइनस प्लस सेवन से लेकर के -1 तक इसकी वैलेंसी होती है, और आप एग्जैक्टली जो होता है हमेशा जो होता है आपका -1 एग्जैक्टली क्या होता है हमेशा -1 वैलेंसी की चार्ज लगा होता है। ये देखिए माइनस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इन सभी में एक ही निगेटिव चार्ज होगा, आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ अगर 17 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 हैं और एक निगेटिव है तो एक जुड़ जाता है तो आपको हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, किसी का निकालना चाहते हैं, यदि हम इसके 9 की बात करता हूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में कितना होता है 9 होता है, 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चलिए ये आपके समझ में आ गया। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा इन सभी में क्या होता है -1 चार्ज होते हैं। ये 17 का ग्रुप था बच्चों, ठीक है, ये किसका है पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक में 17 ग्रुप है। अब बात करते हैं 18 की, 18 में क्या होगा देखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, क्रिप्टान के आर होता है, जीरान का एक्स ई, रेडान का आर एन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी बच्चों 0 होगी। इनका कोई भी आवेश क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होते हैं, इनकी सब की वैलेंसी क्या होगी 0 होगी। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कंप्लीट कंपाउंड हो या कोई भी कंप्लीट यौगिक होगा तो उसको उसकी जो वैलेंसी होगी बच्चों क्या होगी 0 होगी, 0 होगी। मतलब कहना चाहिए कि 0 का मतलब क्या हुआ, कि 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए क्या होगा, यानी इनकी जो वैलेंसी सभी क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0, यानी आपको ये 0 लिख देंगे। अगर हम पूछेंगे H2O की आप ऑक्सीकरण संख्या बताइए बच्चों, तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी, यानी 0 होगी बच्चों। ये देखिए H2O की बात करता हूं तो H2O की H2 का H2S4 H2S4 की क्या होगी बच्चों 0 होगी। देख लिया आप लोगों ने, इस प्रकार से ये बेसिक है केमिस्ट्री, मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, चेन क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए इतना समझ में आ गया ना, ये आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 का था। अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आगे नहीं आया, इन सभी में कोई भी आवेश नहीं होगा, अगर आवेश नहीं होता है तो इनकी वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। क्यों आवेश नहीं होगा, इसका कारण जानना चाहते हैं आप, देख लीजिए इसको भी थोड़ा, क्यों इसकी 0 होती है। देखिए जब ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं नियान का 10 है, जब नियान का 10 है तो पहले ऑर्बिट में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या होगा 8, जब ये पूरा भर गया तो कहाँ हुआ, जब इसके वायतन कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंप्लीट है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों 0 हो जाएगी। समझ में आ गया, यानी उसकी वैलेंसी क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक, किसी का भी बात करते हैं आप, नियान हो गया, आर्गन 18 होता है, आर्गन है, आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिएगा 2 4 ये 8 हो गया, 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, 8 आ गया, यानी क्या हुआ इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, इस कारण से यह पता चलता है कि क्या होगा 0 होगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया, जिनको कमेंट करना होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और बेसिक कोशिश करूंगा, अगर आपको बेसिक बताऊं और आपका कंप्लीट करा दूं, क्योंकि ये आपका निश्चित रूप से बेसिक केमिस्ट्री है, अगर आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसके पहले मैं कोशिश किया कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूं, और किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रबल कंपाउंड है, यौगिक है, और कौन सा दुर्बल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको।
और इसके पहले थोड़ा सा इस पर देखिए कि हम कब पॉजिटिव का उपयोग करते हैं कब निगेटिव का। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ये CO2 है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा नंबर है फॉर्मेशन ऑफ CH4 मतलब मेथेन का निर्माण। अब देखिए क्या होगा, कार्बन में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कार्बन में कितने निगेटिव चार्ज होते हैं, 4। अब जब मैं मुझे मेथेन का निर्माण करना होगा, किसका, मेथेन का, क्योंकि आप पढ़े हैं कार्बन में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो जब हम CH4 का निर्माण करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या लेंगे हम, निगेटिव, यानी इसको यूज करेंगे, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। वो कैसे, ये देखिए C1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन में आपको पता है दो निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये दो ले लिए, आप कितने बच्चे, दो और चाहिए मेरे को, तो एक ये ले लिए एक ये लिए, तो क्या बना दिए, CO2 का निर्माण हो गया बच्चों। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं CH4 का निर्माण करता हूँ, ये प्रथम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये अगर CH4 रहेगा तो कैसे बनेगा, कार्बन की वैलेंसी अब क्या लेंगे वे बताइए, क्योंकि यहाँ पे CH4 है और CH4 में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे मैं निगेटिव लूँ, क्यों निगेटिव लूंगा, देखिए 1, 2, 3, 4, ये तो पहले से आपको पता है कार्बन की वैलेंसी निगेटिव होती है, तो देखिए अब हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कितने पॉजिटिव चाहिए मेरे को, 1 तो हो गया, इसी तरह से एक और चाहिए, ए भी हो गया, और चाहिए एक, ए भी हो गया, एक और चाहिए, ए भी हो गया, यानी कितने हो गए, CH4 का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे जाकर के आपका क्या बन जाता है, CH4। समझ में आ गया ना, CH4 का निर्माण कैसे होता है और CO2 का निर्माण कैसे होता है। H2O को देखिए कैसे, हाइड्रोजन हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में दो निगेटिव चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन तो ले लिया, अब क्या चाहिए, एक और चाहिए ना, इस प्रकार से जाकर ये भी ले लिया, तो बना क्या मेरे पास, H2O। मतलब कहना चाहिए कि H2O कैसे बनाया इन्होंने, किस प्रकार से यूज किया कार्बन की, यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ किया हूँ ये बताने के लिए कि कार्बन की वैलेंसी कब हम निगेटिव लेंगे और कब हम पॉजिटिव लेंगे। तो CH4 का निर्माण करते समय कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, निगेटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते समय कार्बन की जो वैलेंसी होगी पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, इसको मैं मिटा दूँ, चलिए ठीक, इसके बाद क्या होगा, हम आपको थोड़ा सा दो मिनट के लिए अभी इसमें बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताएंगे कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, उसको याद नहीं करना है, समझना है कि उसकी सूत्र कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब आपको बहुत सारा मैंने बेसिक बता दिया इसमें, अब मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो कमेंट कीजिए कितने होंगे, 1 पॉजिटिव। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर सोडियम पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो गई, कमी है कि अधिक है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज कि डिक्रीज, बताइए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें कमी हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब Cl नेगेटिव है, ये है दोनों, अब मुझे बनाना क्या है, ये दोनों आपस में जब क्या करेंगे, मिलेंगे तो बना देंगे क्या, NaCl। जब हम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, यानी हमारा तीसरा चैप्टर होता है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है, किस प्रकार से अपचयन होता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। आप थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ, जैसे NaCl है, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट करेंगे यानी विद्युत अपघटन करा देंगे तो क्या टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मान लीजिए आपका HCl हो गया तो H क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये देखिए टूट गया, आयनों में टूट गया। समझ में आया कि अब अगर मैं बात करता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे आपका HCl है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो मतलब कहना चाहिए यदि पूछा जाता है आपसे कि Cl में क्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 17 है तो Cl नेगेटिव में कितनी होगी, तो बताइए क्या होगी। आपको पता है जब 17 में क्लोरीन में कितना होता है, 17, और पूछ रहा है कि Cl नेगेटिव में, तो क्या करना पड़ेगा, एक लीटर उसमें आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 17 + 1 = 18। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये 18 कहाँ पे आया। यदि मान लीजिए पूछता है O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, 8 होता है, ओनली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ।
अब वहाँ पे टू नेगेटिव आ गया है, तो मतलब दो उसमें और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैं पूछता हूँ Mg2+2, बताइए Mg2+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि जो हमारा मूल कंपाउंड था, मूल यौगिक था, तत्व था, तो उसमें कितना था? ये कंपाउंड नहीं है बच्चों, कोई आयनिक फॉर्म है, मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन में आप Mg की बताइए, Mg में कितने होते हैं? 12, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु कितना होगा? 12 होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उसमें भी 12 होगा। अब बात ये आ गई कि Mg ये है, Mg2+2 है, यानी इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही ना, हम क्या कर देंगे इसमें, कितने कम है? 2, तो यहाँ से हम 2 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब Mg2+2 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3 नेगेटिव। पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो निकालिए टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 7+3 = 10। ये देखिए, यहाँ भी आपका 10 आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, इससे क्या निकला कि यहाँ से सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डिफिनीशन आ गई। ऐसे योग आयन जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक यौगिक को कहना जाता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में आप 11 में पढ़े होंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में बता देंगे और कुछ तत्वों के बारे में आपको बता दूंगा, तो आप उसको अध्ययन कर लेंगे। ये जैसे आपको टूट इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है इसको मैं बता दूंगा। बहुत सारे आपको कंपाउंड बनाना सिखाएंगे, जैसे आपका मान लीजिए CaCO3 है, कैसे बना होगा? तो CA2+2 CO3 2 नेगेटिव में एक नेगेटिव ये ले लिया, पॉजिटिव एक ये ले लिया, तो बना क्या आपका? CaCO3 बन गया। तो मतलब कहना चाहिए ये कैसे बनाया जाएगा, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बड़े एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों क्या समझ में आ गया आज का जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री था? समझ में आ गया कि नहीं आया? आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम आपको पुनः बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब ऑक्सीडेशन होगा, तब रिडक्शन होगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन? मान लीजिए हमारे पास Na है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस कर दिया तो Na पॉजिटिव बन गया, तो अब पूछा जाएगा इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन? क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हमारे पास कमी होगी तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो अपचयन हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने कमी हो गई, यहाँ पे मेरे पास 11 था, कितना हो गया? 10 हो गया, है कि नहीं? देखिए कमी हो रही कि नहीं, ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए, कमेंट कीजिए, आप इसको देखिए और मित्रों को भी सेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।